बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सलाम न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़िशान अलवानी। खबरों का आगाज़ करेंगे, सबसे पहले शामिल करेंगे दुनिया भर की टॉप 10 न्यूज़। इस्लामाबाद थाना तरनोल के इलाका जी 3 से एडवोकेट हमाद सईद डार को उनके घर से अगवा कर लिया गया। एडवोकेट हमाद सईद डार के अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक वकील को नामालूम अफराद ने उनके घर में घुस कर अगवा किया। वर्चुअल क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कदर तारीख में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक बिटकॉइन की मालियत 30,000 अमरीकी डॉलर से ज़्यादा हो गई। वर्चुअल क्रिप्टो करेंसी कदर हफ्ते को 30,830 अमरीकी डॉलर तक जा पहुंची। पाकिस्तान शहीद ने न्यूजीलैंड को T20 मैच में 101 रन से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान शहीद ने पहले खेलते हुए मुकर्र 20 ओवर में 231 रन बनाए, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 130 रन बनाकर ढेर हो गई। हुंजा के गांव गिलमत के लोगों ने -15 डिग्री सेंटीग्रेड की खून जमा देने वाली सर्दी में सिर्फ 18 दिन में पहाड़ को तराश कर 1500 सीढ़ियां बनाने का दावा किया है। सीढ़ियां बनाने के इस कारनामे में मर्द, बुजुर्ग, शहरियों के साथ खवातीन ने भी हिस्सा लिया। शाह अब्दुल लतीफ बटाई यूनिवर्सिटी के खातून लेक्चरार ने इंग्लिश डिपार्टमेंट के चेयरमैन पर जिंसी हरासानी का इल्ज़ाम ऐद किया। शाह अब्दुल लतीफ बटाई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सायरा कहती है, चेयरमैन इंग्लिश डिपार्टमेंट सुलफकार शाह ने घर पर हमला किया, बस जबानी ही और हरासा किया। हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इतिहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि इस्लामाबाद से नाजायज कब्जा छुड़ाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मुल्तान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था कि PDM की तमाम पार्टियाँ अपने मौकफ पर कैम और मुतफिक हैं, हमारे मौकफ में कोई तब्दीली नहीं हुई, पॉलिसी में तब्दीली को बढ़ा चाह कर पेश करते जाता है। पाकिस्तान में कोरोना के बहस मजीद 53 अफवाद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद कोरोना से अफवाद की तादाद 10,311 तक पहुंच गई। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर जनरल कासम सुलेमानी की पहली बरसी के मौके पर ईरान और इसराइल ने एक बार फिर एक दूसरे के खिलाफ धमकी अमेज जबान इस्तेमाल करना शुरू कर दी। मशहूर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की ज़ेर मलकियत कंपनी व्हाट्सएप ने नए साल के मौके पर एक दिन में सबसे ज़्यादा कॉल का नया रिकॉर्ड बना लिया। फेसबुक की जानब से जारी अदाद शुमार के मुताबिक नए साल के मौके पर व्हाट्सएप पर दुनिया भर से 1.4 बिलियन वीडियो और वॉइस कॉल की गई। पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री के मकबूल अदाकार जोड़ियां उर्वा हुसैन, फरहान सईद और फिरोज खान और रजा सुल्तान की तलाक की अफवाह के बाद अदाकारा मेज़बान सनम जंग की तलाक से मुतलक अफवाहें सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई हैं। नाज़रीन, ये थी दुनिया भर की 10 बड़ी खबरें। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। यहाँ वक्त तो है एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा।